लो दोस्तों, गोवा को आने से पहले तीन बातों का ध्यान जरूर देना। मैं इन तीन बातों का बहुत ही मान्य रखता हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंस और मैंने जो देखा हुआ है उसके बारे में बताते हुए, तो फिर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई सिंगल आ रहा है तो प्लीज़ कृपया करके अपने साथ कोई दोस्त को भी जॉब के लिए लेकर आए, या फिर अपने भाई के साथ आए, कुछ और पार्टनरशिप के साथ ही यहाँ पर आए, तो आपको जो कुछ भी सपोर्ट ज़्यादातर मिल सकता है उससे भी बढ़कर भी आपको मिल सकता है। आपके साथ अपना एक होना बहुत ज़रूरी है अनजान जगह पर जाने पर। तो फिर आप एक बंदे के साथ ज़रूर आना। तो फिर दूसरा बात ये है कि आप यहाँ आने के बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, रूम भी मिल जाए उसके बाद भी आपको पानी जो भर के रखना पड़ता है ना, उसके लिए किसी और एक को रखना ही पड़ता है, या फिर घर में कोई और एक को रहना ही पड़ता है, क्योंकि दोपहर में पानी आ सकता है या फिर शाम में आ सकता है, एक एक बार 12 बजे ही पानी भी आ सकता है। तो फिर आसपास के लोग तो खुद का पानी भरने में बिजी रहते हैं, तो फिर आपका जो भी पानी भरने का है वो तो पानी के बिना आपका चलता भी नहीं। आपको कहीं जहाँ कहीं भी रूम या फिर खाना फ्री में मिल रहा है तो उसका बात अलग है। मैं बता रहा हूँ जहाँ कहीं पर भी आप रूम भाड़े में ले रहे हैं घर का, तो फिर वहाँ पर पानी तो भरना ही पड़ता है आपको। तो फिर इसलिए आप ज़रूर इस बात का भी ख्याल रखें। और तीसरा बड़ी बात ये है कि वो है, अब जहाँ कहीं पर भी जॉब के लिए जाए तो कॉन्फिडेंस से बात करें, ना कि ऐसे सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, अब प्लीज़ जॉब दीजिए। ऐसा करने से कोई इमोशनल सेंटिमेंट से आपको जॉब नहीं दे सकता। आपको कॉन्फिडेंस से बात करना है, मैं कर सकता हूँ, इतना दूर से आया हूँ तो फिर आप मैं कर लूँगा। ऐसे आपकी कॉन्फिडेंस हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका इमोशनल हो या फिर आपका डर डर के बात करना हो, कुछ भी काम कर नहीं सकता यहाँ पर। तो फिर जो कोई भी आ रहा है कॉन्फिडेंस से बात करें। और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने बताया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और लोगों की पूछताछ से, 3 साल के जो भी एक्सपीरियंस थे उसके बारे में ही मैंने बताया हुआ है। 2017 में मैंने एक बार गया था, तो फिर वहाँ के लोकल से बात किया, तो फिर वो अन्य राज्यों से आए हुए थे, तो फिर मैंने उनसे ऐसा बात किया कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो फिर वो कुछ कुछ बातें भी ऐसे बता रहे थे। उन सभी बातों का मैं और एक नए वीडियो में आने वाले बहुत दिनों के बाद बनाने वाला हूँ। तो फिर तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना अच्छा लगे तो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है आपको आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।